आदरणीय नीलम जी सुनिए मेरी तरफ से, सुनिए कुछ भैया लोगों की इच्छा है कि भावनात्मक गीत हो जाए, भाव पक्ष के गीत हो जाए, तो प्रयास कर रही हूँ शायद ये गीत अच्छा लग जाए। जो लोग खड़े हैं अगर आप भी इच्छा करें तो बैठ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप भी बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बैठने से सर्दी भी कम लगेगी और हम लोगों को भी लगेगा कि आप सुनने के लिए आए हैं। बाकी जैसी आपकी इच्छा, कुछ लोग तो आग के पास ऐसा चिपके हैं जैसे जेब में धर लेंगे सब लेकिन थोड़ा थोड़ा सा परिश्रम आप भी करें। सुनिए सुनिए, फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया गाया के सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया सकती तुझसे, पास भी मैं ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने फिर भी नजर ना आऊंगी। और यही श्री कहाँ कहाँ है, तो वैसे ही मैंने बताने का प्रयास किया कि पति यानी लाज रखने वाली नारी भी है और लाज रखने वाला पुरुष भी है। लेकिन जरा सुनिएगा, यहाँ अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं, रमेश भैया सुनील भैया गीत को सुनिएगा। मेरे गीत में एक सती का वृतांत मैं ले रही हूँ और आए हुए सभी श्रोताओं से निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग बड़े मन से गीत को सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे भारतवर्ष में सतियों की कोई कमी नहीं है, सती सीता, सती नर्मदा, सती वैश्या, सती राधा, सती गंगा, कितनी सतियां हैं। सती सावित्री के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिसने अपने मरे हुए पति को वापस ले लिया यमराज से। लेकिन एक सती ऐसी, इस सती का नाम है सती शांडली। बड़े गौर से मैं निवेदन कर रही हूँ, सवाल को ध्यान से सुनिएगा आदरणीय नीलम जी, आप भी सुनिए। सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, पति कोढ़ी है, चल फिर नहीं सकता। एक दिन उसका पति दरवाजे के पास सहारा लेकर बैठा है, सामने से एक वेश्या निकल कर गई और उसके पति की नजर उस पर पड़ी, उसका मन उस वेश्या पर आ गया।
अब जरा गौर से सुनिएगा कि आखिर सती कैसी होती है। जब उसके पति का मन उस वेश्या पर आ गया तो उसके पति का मन उदास हो गया। शांडली ने पूछा, स्वामी क्या बात है, क्या चाहते हैं आप? तो उसने कहा, शांडली ये जो अभी सामने से वेश्या निकल कर गई, मैं इसे चाहने लगा हूँ। और कोई नारी हो तो वो ईर्ष्या में जलने लगे, लेकिन उस सती ने कहा, तो स्वामी आप क्या चाहते हैं? तो सती शांडली के पति ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं मिलने कैसे जाऊं? तो देखिए सती शांडली ने कहा कि स्वामी अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो चलो मैं एक काम करती हूँ। और उसने कहा के गरिमा की ये बात है स्वामी, बजाया करिए, खुल के ताली बजा दिया करिए। हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है ये बात। बताते रहिए कि हम लोग बैठे हैं। आप लोग बताते रहेंगे कि हम बैठे हैं तो हम लोग भी गाते रहेंगे। क्या? कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो उसी शॉल के अंदर ऐसे ऐसे कर देते हैं। लेकिन ये जाती है, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। क्या बात। और ये अनवरत पुरस्कारों की छड़ी लगा दी है भैया हमारे आदरणीय पंडित सुनील तिवारी जी और भैया पंडित रमेश तिवारी जी। आप लोग बिजली विभाग में हैं। क्या बात है। आप लोग जहाँ जाते हैं वहाँ करंट आ जाता है। आप लोगों के आने से करंट आ जाता है। तो हम लोगों के लिए पुरस्कार आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों भाइयों को मेरी ओर से। तो सती ने कहा, स्वामी अगर आप उस वेश्या से मिलना चाहते हैं तो मेरा वादा है कि आप चल नहीं सकते, मैं आपको अपने कांधे पर बिठाने के लिए उसको ले जाऊंगा। तो गरिमा की ये बात है स्वामी, तो मैं भी धर्म निभाओगी, तो कहूंगी पथ तुमको मैं बिठा कर के कांधे पर ले समर, अपना समर। अब जरा सुनिए कि आखिर उस सती ने किया क्या? क्या और आज के भारत की यानी इस समय कलयुग की नारी होती तो उसको जलन होने लगती कि मेरा पति दूसरे की तारीफ कर रहा है, लेकिन उस नारी ने किया क्या? क्या ईर्ष्या द्वेष ना कुछ भी मन में वो पति को ले कर आई, अपने पति को कांधे पर बिठा कर चल पड़ी। और जब जाने लगी तो इधर एक मांडव्य ऋषि को शूली गई है चढ़ाई। इधर वो अपने पति को लेकर जाने लगी तो रास्ते में एक ऋषि जिनका नाम है मांडव्य ऋषि, वो एक शूल की नोक पर बैठे
लेकिन अचानक चलते चलते उसके पति का पैर जब ऋषि के शरीर से लगा तो ऋषि के मुंह से एक श्राप निकल गया। उन्होंने कहा जा जिसने मुझे शरीर में कष्ट पहुंचाया है, सूर्य के निकलते ही उसके प्राण चले जाएंगे। उस सती ने सुना सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, तो उसने थोड़ा सा जल हाथ में लिया और पढ़कर ऋषि की तरफ फेंका और कहा जाओ अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो मैं आज के बाद सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। समझते रहिए। देखिए कैसी नारी होती है, कैसी सती है वो देखें। तो इधर एक मांडव्य ऋषि को शूली गई है चढ़ाई, शूली गई है चढ़ाई। तो ऋषि ने कहा कि सूर्य के निकलते तेरा पति मर जाएगा। तो सती ने कहा गगन में वो ना दिखे दिवाकर के, गगन में वो ना दिखे दिवाकर, मैं ऐसा सत दिख लाऊंगी और कहूंगी पथ तुमको मैं बिठा कर के कांधे पर ले लोग भी सुने। सती के कहने से आखिर सूर्य निकला नहीं, और जब सूर्य निकला नहीं तो हुआ क्या? कि रात से फिर वो दिन ना निकला, छाया है अंधियारा। सारी सृष्टि डोल उठी, इतनी लंबी रात हो गई कि सूर्य निकल ही नहीं रहा और प्रकृति के सृष्टि के सारे काम रुक गए, हो गए। और जब कार्य रुक गया तो देखिए सारे देवता एक दूसरी सती के पास गए। वो सती शांडली थी जिसने सूर्य को निकलने नहीं दिया, और ये सती जिसको मनाने गए हैं ये है सती अनुसुईया। उन्होंने सती अनुसुईया से कहा कि है अनुसुईया, आपके कहने से वो सूर्य को निकलने देंगी, आप उसे मना लें। तो सती अनुसुईया शांडली के पास जाती है और कहती है के ग्रहणी हो मैं पर जा कर के उस ग्रहणी को मनाऊंगी, तो कहूंगी पथ तुमको मैं बिठा कर कांधे पर ले जाऊंगी। सती शांडली के पास आना पड़ा। नीलम जी, सती अनुसुईया ने कहा शांडली तुम सूर्य को निकलने दो, सृष्टि में काम रुक गए हैं। शांडली ने कहा कि हे अनुसुईया अगर सूर्य निकलेगा तो मेरा पति मर जाएगा, मैं अपने पति को मरने नहीं दे सकती, दुनिया चाहे कैसी भी हो जाए, ये पति के लिए पति के प्रति अगाध प्रेम की पराकाष्ठा है जो वो नारी सूर्य को नहीं निकलने दे रही है। ये केवल एक सती ही कर सकती है। हालांकि आजकल कहीं ना कहीं सतीत्व में थोड़ा झोल झाल होने लगा है, आजकल ऐसी सतियां कम मिलती हैं और क्या। लेकिन अगर विश्वास है अपने सुहाग पर, अपनी असमत पर, अपनी लाज पर, तो आज भी भगवान को आना पड़ता है और क्या, आज भी आना पड़ता है। और उसका जीता जागता प्रमाण मैं हूँ, स्वामी जी बैठे हमारे, इतने बड़े एक्सीडेंट से हम दोनों लोग बचाए, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं
और देवेंद्र भैया यही वो कार्यक्रम है जिसमें हमको आना था लेकिन हम आ नहीं पाए, पूरी भीड़ एकत्र थी, कार्यक्रम सज गया था और नीलम जी सही था लेकिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन खैर बीती ता ही विसार दे आगे की सुधले, तो परमात्मा ने फिर एक बार इस मंच पर आने का मौका दिया है तो कहीं ना कहीं उससे प्रेम तो है ही। अब देखिए हुआ क्या, सती अनुसुईया ने कहा कि हे सती शांडली, तुम कह रही हो कि सूर्य के निकलते तुम्हारा पति मर जाएगा, तो जाओ जाओ इस सती का वादा है, तुम सूर्य को निकलने दो, तुम्हारे पति का बाल भी बांका नहीं होगा। धन्यवाद। और नहीं हुआ, और सूर्य के निकलने से सती अनुसुईया के वरदान से जो उसके पति के शरीर का कोढ़ था, जो कोढ़ ही था वो भी अच्छा हो गया। तो ऐसी है हमारे भारत की सतियां जो अपने पति को हर तरह से बचा कर ले आती हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? के हर्षित हो हर्षित हो अनसुईया ने पति को सुंदर रूप दिया है, तो है कितना बल सत में सती के जिसने ऐसा कार्य किया। सतियों की प्रेमी ये गूढ़ कथा है, सतियों की प्रेमी तो हर्षित होकर मैं गाऊंगी, तो कहूंगी पथ तुमको मैं बिठा कर कांधे पर ले से ताली आनी चाहिए। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बेटे? कि सागर से भी गहरा तुझको प्यार किया था मैंने। क्या Thank you.
सागर से भी गहरा तुझको प्यार किया था मैंने, तो जीवन भर संग रहने का इकरार किया था मैंने, हो इकरार किया था मैंने, तो आती जाती स्नेह के साथ माला और माल भेंट हुआ है हमारे भतीजे जो हमारे सम्मानी भैया जेपी मंचला जी के चरणजीव हैं, रवि मंचला जी आपके कदमों से इंकियान पत्र मुद्राएं एक सुंदर से पुष्पहार के साथ ये स्नेह भेंट हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता भवानी सदैव आपके अंग संग रहे और आपका यूट्यूब चैनल आगे बढ़ता चले चला जाए, यही कामना है। और ये दो से एक पत्र मुद्राएं सम्मान श्री हरिओम राय जी इंजीनियर साहब ग्राम वीरपुरा आपके कार्यक्रम से 201 पत्र मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। और ये आपने लिखा है किसी धुन पर आपने ये 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा सुने दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने फिर भी नजर ना आऊंगी, जवाब में सती सावित्री को मैं सती सावित्री को ले रही हूँ। जब सावित्री के पति पति के प्राण यमराज जी ले गए तब सावित्री जी ने अपने मन में संकल्प किया, वो संकल्प क्या किया, क्योंकि ये भारत भूमि है, ये नारी प्रधान देश है, इसलिए कहा गया है कि बेटी मौत को भी मात जहां में देती है, मौत को भी मात जहां में महिमावान है बेटियां, जाता जहां पुरुषोत्तम हार वहां शक्तिमान है बेटियां, सब लायक सृष्टि में सहायक ये बेटी, सब लायक सृष्टि में सहायक, बेटी का सम्मान करो, बेटा केवल रतन रतन तो रत्नों की खान है बेटियां। द्विवेदी जी बढ़िया लिख रहे हैं।
सावित्री ने जब संकल्प कर लिया तो कहना पड़ा। सती ने प्राण अपने धारा मैं सत्य तो दिख लाऊंगी प्राण पति परमेश्वर के मैं यमो से भी ले आऊंगी यम के पीछे पड़ी वो नारी वर पे वर पाती है। यमदेव ने कहा बेटी लौट जा, एक वरदान ले ले। सती ने एक वरदान ले लिया। यमदेव ने पीछे देखा तो सती फिर पीछे आ रही है। कहा बेटी एक वरदान और ले ले, लेकिन तू अपने लोक यानी धरती लोक को लौट जा, तो कहना पड़ा। यम के पीछे पड़ी वो नारी बड़े पे वर पाती है। और एक वरदान और ले लिया। नयन मिले है सास ससुर के राज विभाग हो जाओ। यमदेव ने कह दिया कि पुत्रवती हो जाओ। और जैसे ही वो जाने लगे तो कहने लगे सती, आइए सुनेगा। सुने जो संतान का पर दे दिया है पर वो सच जो संतान का पर दे दिया है अगर वो सच हो जाएगा देख के उन बच्चों को मेरे जग ये हंसी उड़ाएगा।
स्वामी।